संख्या बल के साथ आइए परंतु बवाल के साथ मत आइए। यही आपके अहंकार है और आज भी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी ये लोग अहंकार से बाज नहीं आ रहे हैं अपनी अहंकारी बातों से। चाहता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था हंगामा होना चाहिए। पर चाहती हूँ आप इसी अहंकार से रोज आकर टेलीविजन चैनल पे जनता को याद दिलाएं कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो फिर भी सरकार बनाए बैठे हैं, तो जैसे कि जनता जाने कि उनको और पुरजोर तरीके से आकर वोट करना पड़ेगा और आप जैसी अहंकारी सरकार को हटाना होगा। भारत हमारा गठबंधन 1998 में बना था, NDA आज तक है और बिखरी तो आपका संगठन भी है। आप ये अकाली दल है क्या आपके संगठन में? क्या इंडियन लोकदल है क्या हरियाणा वाला? क्या वो शिवसेना है उद्धव वाली? क्या वो पीडीपी है जम्मू कश्मीर वाली? और ये अपने नीतीश जी कई बार अदला बदली कर चुके। कांग्रेस का राइज हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, ये देश की पॉलिटिक्स को बाइपोलर की तरफ ले जा रहा है, ये क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय है। आपने जिस तरीके का काम किया है पार्टी को तोड़ने का, पार्टी पक्ष को तोड़ करने का, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करने का, हमारी पार्टी का सिंबल और नाम लेने का, और तब आकर आप हमें यहाँ पे ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान तो सुनने से रही, ये सबको मात देकर नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे दिखाकर, झूठे इरादे जनता के सामने महाराष्ट्र में लाकर आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सुधांशु जी आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्षी दल संख्या बल में इस बार बहुत मजबूती के साथ कदमताल करने वाला है। ऐसे जली ना तेरी भी जली ना, स्पीकर से लेकर तमाम मुद्दों पर वो अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। देखिए सड़क पे बात करने और संसद में बात करने में नियम मर्यादा और व्यवस्था तीनों का ही अंतर है। यदि विपक्षी दल पिछली लोकसभा के समय में जिस प्रकार के अवांछित और अशोभनीय दृश्य देखने को मिले उस परंपरा को छोड़कर एक स्वस्थ बहस की परंपरा में आगे आए तो उचित होगा। अच्छा संख्या बल के साथ आइए परंतु बवाल के साथ मत आइए। यहां पर एक मौका होता है सदन के पटल पर, अपनी बात रखिए और इस ढंग से विषय को रखने का प्रयास करिए, इसीलिए जनता चुन के भेजती है। तो मुझे लगता है कि वो विषय को रखें तो बेहतर होगा, परंतु मुझे कभी कभी मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार विषय रखने को नहीं होता तो बवाल करने में। उदाहरण देना चाहता हूं, पिछली लोकसभा में एक पूरा सत्र इस विषय पे चला गया कि किसान कानून वापस लेने चाहिए। जब हम लोगों ने कहा कि चर्चा करिए, उनका नहीं कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी वापस ले लिए तो संसद में इसलिए बवाल हुआ कि चर्चा क्यों नहीं की गई, बगैर चर्चा की वापस क्यों ले लिया। ये दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था हंगामा होना चाहिए। पर अब मैं कहना चाहूंगा, बीत गई सो बात गई। तो गेम बजाना पड़े। अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती पहले दो टर्म्स में तो तीसरे टर्म में बहुमत से दूर नहीं होते। और ये पिछले सत्र की बात कर रहे हैं, बवाल की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने किसानों के ऊपर कानून के बारे में बात की कि हमने उसके ऊपर बवाल मचाया था। आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान कानून लाते हैं और आप कहते हैं इस पर चर्चा हो बगैर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से जाए हुए, बगैर ये बिल पहले लेजिस्लेटिव जो स्क्रूटनी है वो पास किए, आप कहते हैं हमें बवाल नहीं मचाना चाहिए। गजब तू बीवाज आदमी। यही आपके अहंकार है और आज भी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी ये लोग अहंकार से बाज नहीं आ रहे हैं अपनी अहंकारी बातों से। दूसरी बात मैं कहूंगी, हाँ हमें संख्या दी है, हमें संख्या के साथ साथ ये जिम्मेदारी दी है कि इनके आते ही पिछले एक हफ्ते में ही, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इनको आए हुए सरकार बनाए हुए, उसमें हमने देखा किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हुए हैं, मणिपुर का जो हमला चल रहा है, मणिपुर में जो आग लगी हुई है वो भी बुझा नहीं पा रहे हैं, फिर पेपर लीक हो रहे हैं, एक एग्जाम अभी कैंसिल कर दिया गया है रखवाकर, ट्रेन क्रैश हो जाता है, और आप कहें आप तो सिर्फ सदन में आइए सिर्फ मुस्कुराते हुए, इन मुद्दों को नहीं उठाएं हम, कुछ शर्म आया है। सुधांशु जी बार बार विपक्षी दलों की ओर से आपको याद दिलाया जाएगा, ये देखिए पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं आई है सदन में। 1984 में जब इंदिरा जी की दुखद हत्या के साए में हुए चुनावों को छोड़ दें तो आज तक 40 साल में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। नरसिम्हा राव के समय में 232 थी, बाद में बाई इलेक्शन होते हुए 240 टच किए थे। उसके बावजूद संख्या बल, और मैं संख्या पर बात करना चाहता हूं भाई, आपने कहा अभी तो चुनाव हुए 15 ही दिन हुए हैं, रिजल्ट आए हुए, तो एक गठबंधन तो टूट गया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक घोषणा कर दी कि कांग्रेस से गठबंधन समाप्त, तो फिर आप ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की 13 सीटें पंजाब की को जोड़ रहे हैं अपने में भाई, अब हटाइए 13 सीटें, आप कहिए 232 से हमारा संख्या 219 रह गई। और अन्यथा जो आप कहना चाहते तो बताइए, अभी प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ने जा रही है वायनाड से, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है? नहीं है तो कम्युनिस्ट पार्टी के खाते की सीटें अपने में जोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी जी इनके खिलाफ चुनाव लड़ी है, उनकी 29 सीटें अपने में जोड़ रहे हैं। महोदय 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ के हुए हैं और अभी भी ये कहेंगे, और 13 सीटें ऐसी जिसपे की ओपनली कह दिया गया गठबंधन समाप्त है। इसलिए संख्या बल का जो भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में शिजरा आपका बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि औपचारिक रूप से आपका गठबंधन सहयोगी छोड़ के चला गया, इधर हमारी तरफ सारे गठबंधन सहयोगी ने पूरे गरिमा मर्यादा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हम आगे बढ़े। बेटा
लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। मैं बस एक सिंपल चीज कहूंगी, संख्या की बात हमने नहीं शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आकर कहा था कि 370 भारतीय जनता पार्टी लाएगी, 400 पार एनडीए करेगी, तो इसलिए संख्या बल बार बार आपको जताना जरूरी है भाई साहब, इसलिए बोल रही हूं। और मैं चाहती हूं आप इसी अहंकार से रोज आकर टेलीविजन चैनल पर जनता को याद दिलाएं कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो फिर भी सरकार बनाए बैठे हैं। तो जैसे कि जनता जाने कि उनको और पुरजोर तरीके से आकर वोट करना पड़ेगा और आप जैसी अहंकारी सरकार को हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो अभी दिखा बता रहे थे 1984 से, इनको नहीं मिला है, इसको नहीं मिला है, उसको नहीं मिला है। आपकी भी जो पहली सरकार बनी थी एनडीए की सरकार, वो भी क्रसिस पे थी, जो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मैं बस यही कहूंगी कि अगर जिम्मेदारी विपक्ष को मिली है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। तीसरे टर्म में एटलीस्ट अपनी भूलों का सुधार करने की कोशिश करिए, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र रखिए। और जो ये आप चुनाव भी जीते हैं, चुनाव सिर्फ आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, आपके टूल किट में मीडिया थी, आपके टूल किट में इलेक्शन कमीशन था, आपके टूल किट में ईडी था, आपके टूल किट में आईटी था, आपके टूल किट में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, आपके पास क्या क्या नहीं था, फिर भी आप अगर 240 पे आ गए, तो आप समझिए जनता की ये बड़ी आपने आपके मुंह पे थप्पड़ है। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जिम्मेदारी से बर्ताव करिए, वरना आपका भी पैकअप करा देंगे। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि राह बड़ी मुश्किल रहने वाली है इस बार सरकार की सदन के अंदर। कुमार भाटी जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो बीजेपी की ओर से बार बार सुधांशु जी बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिला है, और ये कई सालों के बाद ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विपक्षी दलों के दायित्व को लेकर भी उन्होंने चर्चा की कि संख्या बल अगर ज्यादा है तो सिर्फ बवाल नहीं करना है। इस बार आपको संसद का माहौल बदला नजर आएगा, इस बार वो तानाशाही नहीं चलेगी जो पहले चलती थी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी के बयानों से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का सम्मान ये अब भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सारे अभी अपने वक्तव्य में तीनों बार वो बोले हैं, तीनों बार विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, विपक्ष को कोसा है, विपक्ष को ये हंगामा करेंगे। आपको कैसे पता चल गया पहले ही हंगामा करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे? ऐसी भावनाओं से लोकतंत्र नहीं चलता है। विपक्ष का सम्मान करना सीखिए। इस बार देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, हम भी घबराए हुए थे, देश के बहुत लोग घबराए हुए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, सामाजिक न्याय की दिशा को पलट देंगे। लेकिन इस भारत देश की महान जनता ने ऐसा जनादेश दिया है कि ना तो सत्ता पक्ष तानाशाही कर पाएगा और विपक्ष सरकार बनाने से पीछे रह गया। तो इस ऐसे दौर में चाहे सरकार बेशक एनडीए की बनी है, मोदी जी की बनी है, लेकिन हम इसलिए प्रसन्न हैं कि इस बार संसद में लोकतंत्र दिखाई देगा, पुरानी परंपराएं दिखाई देंगी, संसद में चर्चा होगी। एक से एक शानदार नेता चुनाव जीत के संसद के अंदर आए हैं, एक से एक शानदार वक्ता आए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जमीनी मुद्दों की समझ है, जिन्हें देश की जनता के भावनाओं की समझ है। तो इस बार मैं बहुत आशान्वित हूं और मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता पक्ष को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। केवल विपक्ष को गाली देने से आप मजबूत नहीं होंगे, देश को मजबूत करने के लिए कुछ सोचिए, कुछ योजना। देखिए भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बहुत अच्छा मंतव्य व्यक्त किया, मगर मैं विनम्रता से कहना, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप बवाल, मेरा रिमाइंड करके देख लीजिए, मैंने कहा पिछले सदन में बवाल हुआ था, अब बीत गई सो बात गई, अब आइए और व्यवस्थित ढंग से अपनी बात कहिए। तो आपने जो कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं, और आप अपने आचरण से साबित कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी और स्वस्थ परंपरा रहेगी। हाँ, जहां तक गठबंधन की बात है, एक जरूर कह दूं, हमारा गठबंधन 1998 में बना था एनडीए, आज तक है और उसी नाम से है। यूपीए 2004 में बना जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और अब यूपीए गायब हो चुका है, अब यूपीए का पता नहीं, वो पिंडदान हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया, अब इंडिया आया, अब ये जो इंडिया आया इसमें एक घटक तो अभी टूट गया है, अभी बदला था भाई, बिखरी तो आपका संगठन भी है, आपकी अकाली दल है क्या, आपके संगठन में क्या इंडियन लोकदल है क्या, हरियाणा वाला क्या, वो शिवसेना है उद्धव वाली क्या, वो पीडीपी है जम्मू कश्मीर वाली, और ये अपने नीतीश जी कई बार अदला बदली कर चुके। इनका जी बैठी, गौर से समझिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, भाजपा शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस, आज क्या हुई, कांग्रेस नंबर वन की पार्टी हो गई। कांग्रेस बढ़ी किसकी कीमत पे, शिवसेना और एनसीपी की कीमत पे, आज सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं। बाइपोलर पॉलिटिक्स होती जा रही महाराष्ट्र में। आइए तेलंगाना में टीआरएस खत्म हो गई, टीआरएस की कीमत पे कांग्रेस बढ़ी और 8-8 सीटें कांग्रेस भाजपा के बाइपोलर हो गई। आइए कर्नाटका में जेडीएस को उन्होंने जेडीएस के वोट की कीमत पे आगे बढ़े और अब बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया, और यही खतरा अब उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि इनके वोट समय वोट बैंक वर्ड नहीं कह रहा हूं, जो कोर वोटर है हमारा और जदयू का कोर वोटर एक दूसरे का पूरक है, इसलिए 29 साल में 26 साल साथ रहे। इनका कोर वोटर एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी है, इसलिए कांग्रेस का राइज हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, यह देश की पॉलिटिक्स को बाइपोलर की तरफ ले जा रहा है, यह क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय है। समझ रहे हो प्रियंका जी, जवाब देना चाह रही हैं। प्रियंका जी, ये बात तो सच है ना, देखिए महाराष्ट्र में 2019 की स्थिति शिवसेना उद्धव गुट के लिए क्या थी? नहीं, मुझे आप चित्रा जी ऐसा है, महाराष्ट्र के ऊपर ज्ञान ना तो मैं आपसे सुनूंगी, ना ज्ञान मैं सुधांशु जी से सुनूंगी।
मैं जरा आपको थोड़ा इनको बता दूं, ये एक बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। भाई साहब जब हमारे साथ थे 21 सीट जीती थी आपने 25 सीट लड़कर, आज आप 9 पे आ गए हैं, 28 सीट लड़िए हैं और 9 पे आ गए हैं। ये उन्हीं चीजों का परिणाम है जहां पर आपने अपनी पार्टी जिसने आपके साथ 25 साल खड़े रहे, आपके सुख में दुख में, जब आप 2 सीट पे थे आप 303 सीट पर आए, हम लोग आपके साथ दिया था, पर आपने जिस तरीके का काम किया है पार्टी को तोड़ने का, पार्टी पक्ष को तोड़ करने का, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करने का, हमारी पार्टी का सिंबल और नाम लेने का, और तब आकर आप हमें यहाँ पे ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान तो सुनने से रही। आग लगा दी। ये सबको मात देकर, नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे दिखाकर, झूठे इरादे जनता के सामने महाराष्ट्र में लाकर, आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो प्रेम दिया है, आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं लोकसभा चुनाव में, तो आपसे तो ज्ञान हम कतई नहीं लेंगे। लेकिन अगर एंकर भी आपसे सवाल पूछेगा तो उद्धव ठाकरे का तो पूरा का पूरा वर्चस्व महाराष्ट्र को लेकर। अब आपसे मैं यूपी का सवाल तो पूछूंगी नहीं, आप बेवजह नाराज हो गए मेरे ऊपर। एक मिनट आपने नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो रही आप, मैंने हाँ। क्योंकि हमने आपसे पहले चुनाव के समय पे आप सबकी कवरेज देखी है, देखा है कि उनका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर कितनी चर्चाएं हुई हैं, हमने ये भी देखा है किस तरीके से टेलीविजन चैनल्स ने जस्टिफाई किया कि कैसे इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल और पार्टी नाम उन दूसरे को दे देती है, चोर जो चोरी करता है चोरी का सामान भी ले जाता है, उसको समर्थन देने का काम जो मीडिया ने भली भांति निभाया है 2024 के चुनाव में, हम सब उससे परिचित है। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र को लेकर सवाल आप अगर मुझसे पूछ रही हैं तो ये सवाल लाजमी पड़ता ही नहीं है, और इसका सवाल मैं जवाब तो जरूर दूंगी पर ज्ञान मैं इनसे नहीं सुनूंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।